आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मथुरा दौरे पर जाएंगे अमित शाह, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 19 दिसंबर को जाएंगे अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। जन विश्वास यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मथुरा दौरे पर जाएंगे अमित शाह, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 19 दिसंबर को मथुरा जाएंगे अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे साथ में मौजूद। जन विश्वास यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मथुरा दौरे पर जाएंगे अमित शाह, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 19 दिसंबर को शाह और योगी जाएंगे मथुरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और दोनों ही जनता को संबोधित भी करेंगे। मथुरा दौरे पर जाएंगे अमित शाह, 19 दिसंबर को मथुरा जाएंगे अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे साथ में मौजूद। जन विश्वास यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, मथुरा जाएंगे अमित शाह, तो क्या कुछ इसने संबोधन के दौरान कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मथुरा का अमित शाह का ये दौरा है, और इस दौरे में कहीं ना कहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए जो धार्मिक अनुष्ठान है या धार्मिक विषय है, उन मुद्दों को भी उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों की तरफ से। और उसी कड़ी में अगर हम देखा जाए, क्योंकि मथुरा का मंदिर भी है, जिस मंदिर को लेकर काफी इस समय गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि 19 तारीख का अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है, वो जन विश्वास यात्रा है जो मथुरा की, उसे हरी झंडी दिखाते हुए अमित शाह नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर अयोध्या की बात भी कही जाएगी, काशी की बात भी कही जाएगी, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी मथुरा के मुद्दे को और मथुरा मंदिर के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है, तो कहीं ना कहीं अब मथुरा के मुद्दे, क्योंकि बीते दिनों केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक ट्वीट किया था जी, डिप्टी सीएम जी का उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लिखा था कि अयोध्या हो गया और अब मथुरा की बारी है। तो मथुरा में अमित शाह मौजूद रहेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि मथुरा में भी एक नितिन सीधे तौर पर, अब जब काशी का मुद्दा भी हो गया, काशी में कॉरिडोर बन गया, राम मंदिर का मुद्दा जो कि चुनाव का अहम मुद्दा रहा है बीजेपी का, वो भी अब पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो अब नया मुद्दा, धार्मिक मुद्दा उठाने की तैयारी में बीजेपी। अब मथुरा जो है मुद्दे को उठा के ये 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि देखा गया है कि बीते दिनों काशी कॉरिडोर की बात भी हो गई, अयोध्या में निर्माण की बात भी हो गई, और अयोध्या के निर्माण के बाद लगातार बीजेपी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष हमसे पूछता था तारीख कब बताएंगे, तो हमने तारीख नहीं बताई, हमने सीधे निर्माण ही करवा दिया। और अब मथुरा का मुद्दा भी बहुत अहम है, क्योंकि मथुरा में भी मंदिर निर्माण को लेकर के लगातार प्रश्न उठ रहे थे, और अब चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को लेकर के ही बीजेपी जनता के बीच में आने की कोशिश एक बार फिर से कर रही है। और जी, तो हम कह सकते हैं कि इस बार भी धर्म और जाति के आधार पर ही विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, न कि विकास के मुद्दों पर। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता का जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है और विधानसभा का जो चुनाव होता है, बिल्कुल उलट होता है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उसे किन मुद्दों पर वोट देना है, किन मुद्दों पर वोट नहीं देना है, और उसी कड़ी में ही ये उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होना है, तो जनता जान रही है कि किन मुद्दों पर हमें वोट देना है। और अगर सरकारों की तरफ से या फिर राजनीतिक दलों की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं, तो देखना होगा कि इनका कितना अहम रोल इसमें होता है। नितिन, आखिर कब तक ये चलता रहेगा कि जाति धर्म के आधार पर ही वोट देंगे, और उसके जब चुनाव के बाद सरकार बन जाती है तो विकास के मुद्दों को उठाते रहेंगे और गरीब जनता रोती रहेगी? ठीक है, धार्मिक मुद्दे बहुत ही अहम रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही। अगर हम बीते चुनावों में देखें, तो पहले अयोध्या का मुद्दा सबसे अहम रहा था, उसके बाद काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए हुए थे, वहां पर उन्होंने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया, और जिस तरह से उन्होंने वहां पे 2 दिन बिताए, तो ये धार्मिक मुद्दा भी हो गया, अयोध्या का मुद्दा हो गया, और उसके अलावा मथुरा का मुद्दा भी बचा हुआ है। तो कोशिश सरकार की यही रहती है कि धार्मिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और यहाँ पर धर्म और जाति बहुत ही अहम है, क्योंकि जात के नाम पर वोट पड़ता है, धर्म के नाम पर वोट पड़ता है। ऐसे में सरकारें और राजनीतिक दल भी जानते हैं कि अगर हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका एक फायदा हमें मिल सकता है। नितिन, जिस तरह से ये धर्म के मुद्दे, धार्मिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पहले राम मंदिर उठाया जा रहा था, तब भी विपक्ष काफी हमलावर रहा था, मथुरा का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो अब विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है?
रही है? देखिए, विपक्ष की अभी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हालांकि सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, साफ तौर पर विपक्ष एक बात तो कहता आया है कि जब जब अयोध्या की बात हुई है या जब जब काशी कॉरिडोर की बात हुई, तो विपक्ष ने एक ही बात कहा है कि बीजेपी एक बार फिर से धर्म के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव कराना चाहती है, और इसी वजह से यह अयोध्या का मुद्दा और इन सब मुद्दों को उठाया जा रहा है। और अगर मथुरा में जो 19 तारीख को अमित शाह का दौरा है, वहां पर भी मथुरा मंदिर को लेकर किसी बात को कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो धार्मिक मुद्दा है उत्तर प्रदेश में मथुरा के नाम पर, वो उठता हुआ, उसकी जो लपटे हैं वो उठती हुई दिखाई देंगी, और विपक्ष उस पर किस तरह से हमलावर होगा ये देखना है हमें। जी नितिन, जहां तक हम देख सकते हैं बीजेपी तो अपना धार्मिक मुद्दा उठा ही रही है, लेकिन विपक्ष किधर जा रहा है, विपक्ष किन मुद्दों को उठा रहा है, सबसे ज्यादा इस समय मुद्दे कौन से उठ रहे हैं? देखिए शिखा, इस वक्त विधानसभा सत्र उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और ये सत्र बहुत अहम है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये विधानसभा का जो सत्र है ये बुलवाया गया है, लेकिन लगातार हंगामे के बीच ये जो सत्र है ये चल रहा है, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होकर के लखीमपुर खीरी मामले में और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर के सड़क पर उतरा हुआ है। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सपा नेताओं ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जिसमें एक जीप है और उस जीप पे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, तो इस तरह के जो प्रदर्शन है और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से। तो अभी तो सबसे अहम मुद्दा उत्तर प्रदेश में यही है कि अजय मिश्रा टेनी को कब बर्खास्त करेगी, क्योंकि किसानों का मुद्दा शांत तो भले हो गया हो, जो प्रदर्शन है वो भले स्थगित हो गया हो, लेकिन अजय मिश्रा की बर्खास्तगी जब तक नहीं होती तब तक विपक्ष जो है वो सजग है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो अन्य मुद्दे हैं जिसमें महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, 69,000 शिक्षक भर्ती हो गया, इस तरह के प्रमुख मुद्दे सरकार के बीच जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, मथुरा आएंगे, और साथ ही सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे अमित शाह जब यूपी के दौरे पर रहेंगे। रायबरेली दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव, 17 और 18 दिसंबर को रायबरेली जाएंगे अखिलेश यादव। 6 विधानसभाओं का दौरा करेंगे सपा सुप्रीमो, रायबरेली दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। 17 और 18 दिसंबर को रायबरेली जाएंगे अखिलेश यादव। 6 विधानसभाओं का दौरा करेंगे सपा सुप्रीमो, रायबरेली दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। देशव्यापी हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मी, आज से 2 दिनों तक की हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनाइटेड के तले बैठे हैं हड़ताल पे। बैंकों का निजीकरण किए जाने को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। 17 दिसंबर को इंडियन बैंक हजरतगंज में होगा प्रदर्शन। देशव्यापी हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मी, बड़ी खबर सामने आ रही है, आज से 2 दिनों तक की हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनाइटेड के तले होगी हड़ताल, बैंकों का निजीकरण किए जाने पर होगी हड़ताल। 17 दिसंबर को इंडियन बैंक हजरतगंज में होगा प्रदर्शन। देशव्यापी हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मी, बड़ी खबर सामने आ रही है, आज से 2 दिनों की हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनाइटेड के तले होगी यह हड़ताल, बैंकों का निजीकरण किए जाने को लेकर हड़ताल। 17 दिसंबर को इंडियन बैंक हजरतगंज में होगा प्रदर्शन। देशव्यापी हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मी, बड़ी खबर सामने आ रही है, आज से 2 दिनों की हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनाइटेड के तले यह हड़ताल होगी, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है जिसको लेकर आक्रोशित नजर आ रहे बैंक कर्मी और हड़ताल पर बैठेंगे। 17 दिसंबर को इंडियन बैंक हजरतगंज में होगी हड़ताल। तो देशव्यापी हड़ताल पर बैठ गए अब बैंक कर्मी, निजीकरण से परेशान है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनाइटेड के तले यह हड़ताल होगी, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है जिसके चलते यह हड़ताल की जा रही है। 17 दिसंबर को इंडियन बैंक के हजरतगंज में होगी ये प्रदर्शन। देशव्यापी हड़ताल पर बैठ गए बैंक कर्मी, बड़ी खबर सामने आ रही है, 2 दिनों के हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनाइटेड के तले होगी हड़ताल, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है जिससे आक्रोशित है बैंक कर्मी। 17 दिसंबर को इंडियन बैंक हजरतगंज में होगा प्रदर्शन। दो दिनों की हड़ताल पर बैठ गए, देशव्यापी हड़ताल की जा रही है बैंक कर्मियों द्वारा, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है जिसके चलते यह हड़ताल की जा रही है। लगातार आवाज उठती रही है, बैंकों का निजीकरण जिस तरह से हो रहा है उसको लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं लोग, और इसको लेकर
इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कहां कहां पर यह हड़ताल होने वाली है और कितने दिन के लिए चलेगी? जी, आपको बता दें, स्टेट बैंक के मुख्य शाखा परिसर में 11 बजे से एक बड़ी सभा और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। 17 दिसंबर को इंडियन बैंक हजरतगंज में भी प्रदर्शन किया जाएगा। जी, इसी दौरान 16 से 17 दिसंबर को तमाम बैंक कर्मी व अधिकारी रहेंगे हड़ताल पे। जी विभांशु, जिस तरह से बैंक कर्मी प्रदर्शन पर बैठे, दो दिनों की हड़ताल रहेगी, आम जनता को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? बैंकिंग सिस्टम की तमाम सुविधाओं को लेकर वो जो ग्राहक हैं बैंकों के, उन्हें ये समस्या बनी रहेगी। और आज के समय में जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते, पैसे भेजने में कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी, सर्वर सही रहेगा, लेकिन बैंक के जो खाते हैं, जो शाखाएं हैं, वो नहीं खुलेंगी। और बैंक कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे तो शाखा कौन चलाएगा? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो ऑनलाइन माध्यम से सभी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे, बैंक के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जो बैंक की शाखा है वहां पे बैंक कर्मी मौजूद नहीं मिलेंगे, काम नहीं होगा, क्योंकि बैंक कर्मी दो दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।